उद्घाटन के इंतजार में खड़ा है यह मुख्य ओवरब्रिज। पूरी तरह से तैयार है कटिहार का यह मुख्य न्यू फ्लाईओवर। आपका अपना पसंदीदा चैनल एके ब्लॉगर ये भी चाहता है जल्द से जल्द इस ब्रिज का उद्घाटन हो। कटिहार वासियों के लिए यह सौगात से भरी नहीं है और जल्द से जल्द इस कटिहार वासियों को इस ब्रिज पर चलने का मौका मिले। और कुछ ही दिन बचे हैं फिलहाल इस ब्रिज को बनकर तैयार होने में। फिलहाल पूरी तरह से के बनकर तैयार हो गया यह न्यू कटिहार का न्यू ओवर ब्रिज। आप देख सकते हैं ऊपर में कितने हैवी हैवी स्ट्रक्चर से तैयार किया गया यह कटिहार का मुख्य ओवर ब्रिज को। सो गाइज, अगर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह फिलहाल ब्लैक और येल्लो से जो पेंट किया गया है, यह फिलहाल जेब्रा क्रॉसिंग के लिए पेंट किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो सके। और इसके जस्ट बगल आप देख सकते हैं जो कि फुटपाथ का रास्ता दिया गया है 3 फीट का, वो उसमें आसानी से उसे जा सके और लोगों को आने जाने में इस पर परेशानी ना हो सके। और मैं इस ब्रिज की अगर और खासियत की बात करूँ तो इसके ऊपर फिलहाल ब्लैक पेपर दे करके उस पर गिट्टी रखा गया है ताकि कोई भी गाड़ी अगर स्पीड में जाए तो उस पर स्लिप ना खाए और अच्छी तरीके से इस जगह पर पार किया जाए। और इस जगह से व्यू का नज़ारा भाई साहब अनलिमिटेड है। और मैं कहूँ तो यह कटिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात है जो कटिहार में न्यू ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसी दिनों में इसका इनोग्रेशन होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। और कटिहार को इस कटिहार वासियों को इसी की दिलचस्पी है जब इसका उद्घाटन हो और कटिहार वासी इस फुट ओवर ब्रिज पर चले। और कटिहार वासियों को तो ये न्यू ओवर ब्रिज आपका सौगात मिल चुकी है और कुछ ही दिनों में इसका इनोग्रेशन होने वाला है। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं पुराना फुट ओवर ब्रिज जो कि कुछ ही दिनों की वह मेहमान है। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कह सके ना, ये गाना उस पर सेट हो रहा है ताकि सही बात है। चलिए वो बात भी सही है। और मैं बात करूँ ये फुट ओवर ब्रिज की, यह फिलहाल 57 साल पुराना हो चुका था, उसे तोड़ना तय था क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से उसे रेलवे को पूरा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण से इस न्यू ब्रिज का ओपन किया गया है, कुछ ही दिन बाद में इसका इनोग्रेशन होने वाला है। और सो गाइस, अगर मैं बात करूं तो रोड के ऊपर साइड फ़िलहाल दोनों तरफ एलईडी बल्ब लगाए गए हैं, एलईडी होलेजन लगाए गए हैं जो कि रोड पर रोशनी दे और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप पूरे तरीके से देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है वो कटिहार का न्यू फ्लाईओवर का रोड जो कि आके उस तरह से आके आपको इस न्यू ओवर ब्रिज पर चढ़ने का मौका मिलेगा। सो गाइस, अगर मैं कटिहार की फुट न्यू फ्लाईओवर की बात करूं तो यह इधर फिलहाल देख सकते हैं यह एक जो ओटी पहाड़ से कनेक्ट होगा रास्ता फुट पाथ का के लिए वो है ये। फिलहाल इसमें अभी वेरिएगेटिंग चढ़ना है जो कि अभी नहीं चढ़ा गया। स्ट्रक्चर क्या लग रहा है इस न्यू ओवर ब्रिज। और फिलहाल ये रखे गए हैं ताकि इसे हटाया जाएगा और जल्द से जल्द इस ब्रिज का उद्घाटन हो सके। यार कटिहार वासी गाइस, अगर मैं कटिहार की न्यू फ्लाईओवर की बात करूं तो यह फिलहाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और इसके इनोग्रेशन में फ़िलहाल 2 से 3 दिन का वक्त है। और मैं बात करूं इसे फ़िलहाल पूरी तरह से 45 करोड़ में बनाने का निर्णय लिया गया था जो कि कटिहार वासियों के लिए अब तैयार ही समझिए। और कटिहार के लिए मैं बात करूं तो कटिहार के जनता और बच्चों के लिए अब यह फोटोशॉट का हब बन चुका है। अगर आपकी और हमारी अगर पहली मुलाकात है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिल जा सके जल्द से जल्द। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ गाइस, आपसे